चेरू आप बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, मैं बता रहा हूँ सच में अच्छे लग रहे हो। बेबी तुम्हें इसने ना थूका है तुम्हारे मुंह पे। मतलब इसको मेरी सारी तारीफ झूठी क्यों लगती है? चेरी चेरी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप एकदम पापा के बेटे लग रहे हो, बढ़िया वाले। मैं बता रहा हूँ आप बहुत सुंदर लग रहे हो। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और कुछ पता नहीं, तैयार हो चुकी हूँ मैं, नहा चुकी हूँ, अविनाश तैयार हो रहा है, उसको कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड करना है तो शायद वो मुझे अंदर आने नहीं देगा। वर्कर्स आने वाले हैं, काम शुरू हो जाएगा घर का, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब सुबह का टाइम है तो कॉफी तो मेरी बनती है। अमिता ये सब ना हटा ले, ये अभी सही। और मेरे को चेरी की भी दवाई दे दे, चार पापा को दवाई पिला देती हूँ मैं, है ना, है ना चारू? सारी जैसे मैं इधर आई हूँ सब इकट्ठी हो गई हैं। देखो इनको बस ये है कि मैं मिल जाऊँ, बस। कॉफी बनाने में आ गई हूँ किचन में, और कहाँ है कॉफी, पानी देना मिता। वैसे मैं दूसरा वाला कॉफी पीते, रुक रुक ये क्यों पीऊँ मैं, ये दे पानी। अमिता ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी मुझे फिर से क्यों दिखाई दे रही है? तो धूल आएगा ही, साफ तो करती हूँ रोज। देख ये देख, बहुत जल्दी आ गया धूल। ओहो मेरी कॉफी भी खत्म हो गई हुआ थी यार। ओहो जरा ये कॉफी खत्म हो गई। इतनी ज्यादा तो है, क्या है? नहीं ये वो वाली नहीं है जो मेरी फेवरेट है, इसको बंद ही कर देती हूँ, वही पीनी पड़ेगी मेरे को। कहाँ गई ये चप्पल, ये पहन लेती हूँ घर पे। अच्छी लग रही है ये, लेकिन ये है घर पे ही पहनने के लिए, बाहर पहन के निकल जाओगे तो हो गया काम। वैसे तो लोग बाहर भी पहने हुए देखा मैंने उनको, लेकिन मैं घर पे ही ठीक है मेरे लिए। यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? साफ कर रही हूँ, कर दूंगी। थोड़ा अच्छा लगना चाहिए हाँ चीजें। अमिता थोड़ा सा ना ये टेबल भी टेढ़ा हुआ है, टेबल को थोड़ा सा इधर ऐसे सीधा कर, इधर ये इधर नहीं, उधर से तेरी साइड से इधर को कर। हाँ बस, अरे याद हो गया, बस यहाँ पे मैं बैठ जा, यहीं पे बैठती हूँ, यहीं पे बैठती हूँ, कॉफी पी लेती हूँ और खिला दूंगी मैं चेरी को दवाई। अरे मामा जो बेबी चाल झाक ना आ गए मम्मा के पास, अरे मेरे बेटू भी आ गया मम्मा के पास, अच्छा मेरा बेबी आ गया। पसीने में जरा ऊपर वाले घर में होके आ रही हूँ, वो कुछ कबर्ड का वो उनको देखना है, डिजाइन चुराने ही थोड़ा सा, मतलब एक आइडिया ले लेंगे ना कि क्या कौन सी चप्पल है। ये ना मैंने ली थी बीच में, याद आ गया, आ गया उस दिन ना, हाँ याद आ गया। चाल अभी अभी घर पे पुलकित आया है, पुलकित को बहुत लोग जानते होंगे, और पुलकित नॉर्मली हमेशा अपने चैनल के लिए मेरे साथ कोलैब करके जाता है, इंटरव्यूज करता है, एंड ही लव्स डॉग्स, सो इनसे अभी मिलने के लिए आया है और सबके लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लाए ना, मैं उनको दिखाती हूँ। ये देखो ये मुर्गा देखो ये बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है भाई, ये बहुत क्यूट है। और एक ये लाया है चेरी, तो इतना खुश है ना, चेरी के लिए बॉल भी आई है, बॉल दिखाना जरा, बॉल आई है, शैम्पूज आए हैं, इतना खुश ले आए बोल के। तो देखना तुम्हें पहले से बहुत प्यार करती है, ये देखो ना यहाँ पे डरी हुई है, मुझसे मिलने तक नहीं आ रही है मेरे पास, वो नहीं आएगी, वो दूर दूर देखती रहेगी तुम्हें, दूर दूर देखती रहेगी। अरे बाबा, तो अभी जरा पुलकित आया हुआ है तो मैं जरा थोड़ा सा चाय वाय पी लूं, बातें बातें कर लूं, फिर आपसे दोबारा मिलती हूं, तब तक के लिए। ये कर क्या रहे हो तुम? कैमरा टेस्टिंग, पता ही नहीं क्या करता है ये आदमी, समझ ही नहीं आता मुझे। तो दोस्तों हम लोग जरा निकल रहे हैं काम के लिए, वापस आते हैं फटाफट, आज बड़े सारे काम कर रहे हैं, बहुत चीजें करनी है, आज चिल्ड्रंस डे है तो बच्चों को ड्रेसअप कराऊंगी। मेरी फ्रेंड ने बच्चों के लिए कुछ टॉयज भी भेजे हैं, कुछ ड्रेसेस भी भेजी है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी एंड थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, चिल्ड्रंस डे है। मैंने कैट्स के लिए काफी फूड मंगवाया है, डॉग्स के लिए फूड मंगाया है, तो वो आज मैं फीडर्स को प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट जितने भी चिल्ड्रन, मतलब तो यही होता है कि बच्चे जो है वो सेलिब्रेट कर सके, तो हमारे लिए तो ये बच्चे हैं, इनको कोई प्रोवाइड करने वाला नहीं है, और जितना हम लोग कोशिश, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हो, बच्चों को थोड़ा सा खुश करो, बिल्लियों को खाना खिलाओ, डॉग्स को खाना खिलाओ, गाय को खाना खिलाओ, जो एनिमल आपको लगता है प्लीज आप खाना खिलाओ, उसके लिए चिल्ड्रंस डे की जरूरत नहीं है, एवरी डे वुड बी अ चिल्ड्रंस डे फॉर देम, तो लेट्स ऑल मेक देम हैप्पी, लेट्स ऑल डू समथिंग छोटा छोटा फॉर देम। तो जी आज चिल्ड्रंस डे है और चिल्ड्रंस डे पे मेरी फ्रेंड ने बहुत क्यूट सी ड्रेसेस भेजी है मेरे बच्चों के लिए, सबसे पहले तो हम लोग चिल्ड्रंस डे यहाँ पे बनाएंगे, ये आई है ड्रेसेस, आज चाय भी कर लेते हैं ड्रेसेस को। पहला ड्रेस आया है चेरू मामा के लिए,
हैप्पी चिल्ड्रन डे, ये चेरी को पहली बार कोई हल्का कपड़ा मिला है, पता है, बेचारी चैन से रह पाएगी। स्लीवलेस पहली बार मिला है चेरी को। टैग नहीं हटाते अभी इनके, सब कोई पहले साइज नाप लो। हाँ, मेरी अच्छी लगेगी बहुत। एक तो ये गोरी है ना, मतलब व्हाइट है, सॉरी गोरी कह रहा हूँ, व्हाइट है ना, इसके ऊपर कलर खिलता है, रेड वेड कुछ भी हो तो। बेटा ऐसा लदभेसा क्यों जाती है? उसको मजा आता है ना, तुम पहनाती हो तो। क्या हुआ, बंद नहीं हो रहा क्या? कैसे बटन लगवा रही तुमसे ना? चल खड़ी हो, चिल्ड्रन खड़ा होगा, खड़ा हो। तो आजी का बच्चा है, ये तो स्कर्ट छोटी नहीं हो गई, बड़ी जल्दी खत्म हो गई। ठीक है बेबी। अच्छी बेबी, कितनी सुंदर लग रही है, स्कूल की बच्ची लग रही है एकदम। बताए अच्छी लग रही है बहुत चेरू, आप बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, मैं बता रहा हूँ, सच में अच्छे लग रहे हो। बेबी तुम्हें इसने ना थूका तुम्हारे मुंह पे। मतलब इसको मेरी सारी तारीफ झूठी क्यों लगती है? चेरी चेरी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप एकदम पापा के बेटे लग रहे हो, बढ़िया वाले, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। फ्रॉक की फ्रॉक, अरे यार तुम ही कर दो ना फिर तारीफ। तो ये मेरे बब्बू बहुत पारा लग रहे हैं बब्बू, देखो वो अब मानी है, मेरे बब्बू बहुत पारा लग रहे हैं। मम्मी की बात मानी है? हाँ, मम्मा का बात तो एकदम मानता है, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हाँ, अब तुम बोलो जरा। चेरू आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, लग रहे हो बेटा, लग रहे हो अच्छी। ये तो अभी इसको परफेक्ट आ गई ना, अब हम कैंडू को पहनाएंगे और कैंडू को पहना के देखेंगे कैसा लग रहा है। सारे सुन रहे कौन सा वाला मेरा है। सुन चा, पापा का बेटा। ओए अपने आप आइए, पापा का बेटा। पूरा मुंह डाल दिया इसके अंदर। इसको इस बात से ये भी लगता है ना कि मतलब वी आर गोइंग आउट। ओ बेबी बड़ी खूबसूरत फ्रॉक है यार, कलर्स कितने प्यारे हैं इसके अंदर, पिंक है, ब्लू है। अरे कहाँ से मिले ये? पहली बार मेरे बच्चे को अच्छा कपड़ा मिला है, पहली बार। नहीं नहीं, हबीबी के पेरेंट्स भी इसके लिए बहुत अच्छे कपड़े भेजते हैं। नहीं, बहुत प्यारे हैं। कलर की बात कर रहा हूँ। हाँ, कलर मतलब नॉर्मली यहाँ पे ना, क्योंकि देखो ये खुद तो अच्छी नहीं है ना, तो इसको कलर थोड़े अच्छे पहनाने पड़ेंगे तब सुंदर लगेगी ना। ये भी इसी का लग रहा है, ये तो इसी का है। ये साइज हम अपने को बड़ा कर, मेरे को बोलना पड़ेगा बड़ा चाहिए, क्योंकि ये इससे भी छोटी है। आई थिंक ये इसी क्यों आएगी, नहीं कैंडी को तो नहीं आएगी, इससे छोटी है क्या फ्रॉक? देखना, हाँ छोटी है, पीछे करो फ्रॉक को, पीछे करो, ये बराबर की मैंने। हाँ तो ये छोटी है, ये फ्रॉक छोटी है, तो कैंडी के लिए दूसरी ट्राई करनी पड़ेगी। कैंडी वेट कर रही है कि मेरे लिए कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ कैंडी के लिए भेजा है। यार बीबी कितनी सुंदर है यार, फ्लावर्स बने हुए इसके ऊपर अलग। हाँ ये देखो पूरा काम, ये आएगी कैंडी को। आज कैंडू चेक करेंगे हम लोग। हाँ आपका ही है, आपका ही है। हैप्पी चिल्ड्रन डे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हैप्पी चिल्ड्रन डे मनेगा, आ जाओ। ओके ओके ओके। हाँ तो गया, फिट आया है। हाय मेरी गुड़िया, बीबी एकदम फिट आई है मेरी बेबी को। बिल्कुल फिट है, कितनी सुंदर लग रही है यार इसमें। देखो बहुत बढ़िया कलर है, बहुत ही बढ़िया। बेबी और कुछ टॉयज भी भेजे हैं। ये देखो आंटी ने आपके लिए क्या भेजा है, ये देखो सॉफ्टी, सॉफ्टी आइसक्रीम। हाँ सॉफ्टी भेजिए। ये बचती भी है? नहीं ये नहीं बचती, ये तो चुनछा ही फाड़ेगी। ये देखो किसको चाहिए, किसको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ओ चेरी को चाहिए। एक बेबी ये टॉय भेजा है। ये कौन सा टॉय है? तो बड़ा वो लेके बाहर चली गई बेबी। चेरी चेरी ये भी है, चेरू वो तो लेके निकल ली। चेरू चेरू ये देखिए देखिए आ गई, आई है लेके। सो हैप्पी बेबी। ये देखो ये ना कुछ ऐसा है, ठीक है, अब इसको ना हम लोग यहाँ पे रख के जी ड्रेसेस सबकी ट्राई करा दी है, सब लोग बहुत खुश है, परफेक्ट आई है। थैंक यू सो मच ये ड्रेसेस देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, बहुत अच्छे लगे सब बच्चों को गिफ्ट। और इसी के साथ हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। मैंने कुछ पेट फूड भी मंगाया हुआ था, तो अभी वो जैसे ही आ जाएगा मैं अभी अलग करके उसको फीडर्स को दे दूंगी। तो हमारे जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं आज, उनका भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बन जाएगा, तब उनके लिए फूड आएगा। जैसे ही आएगा आपको मिलूंगी दोबारा। मैंने उस दिन ऑर्डर किया था ये दो, और ये आज आ गए हैं घर पे, और ये कितना गंदी पैकिंग में देखे गए हैं यार। तो जी मेरी बेबी आ गई है घर पे, और अब दिया जा रहा है खाना। ये कुछ बिल्लियों का खाना है, बिल्लियों का हो गया, डॉगी का हो गया, ये और भी बिल्लियों का है। अमिता एक चाकू लाना जरा, सो मैं ये सारा फीडर्स को दे दूंगी खाना। दे बेटा खोलना इसको जरा, मारना कुच्ची बीच में मार दे।
ये बेसिकली क्या है, मैं सारे जितने पैकेट्स है ना मैं ये अलग अलग करके दे रही हूँ. अलग, अरे क्यों लड़ी हो, दो तीन लोगों को अलग अलग देना है मेरे को. तो ये जितने पैकेट्स है ना इनको मैं पहले से ऐसे अलग कर लेती हूँ. किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए. ये तो सारा का सारा कैच का ही है. तो मैं चलता हूँ, मेरे को जाना है एक जगह, तुम दे देना. हाँ हाँ, मुझे सबसे पहले ये कैट को खरीद ला दूँ. अपनी बिल्डिंग में कैट है, खिला देती हूँ. चल तुम मेरे साथ चलो और मेरे फोन भी दे दे, मैं आ रही हूँ. मैं तो कैची को खाना देने जा रही हूँ ना, कैची को खाना देने जा रही हूँ. तो आपको लेके नहीं जा सकती मैं. वो कैट को बता देना कि तेरे को खाना खिला रहे, हमारे बच्चों को ना काटे. वो तो मारती है ना, फिर भी ये इनका यही तो है ना, इंसान भी तो यही करते हैं. अरे कैटी, 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 इसमें तो काफी खाना भरा हुआ है. हाँ लेकिन उनको ये अच्छा लगेगा ना ज्यादा. ओके 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 ओके, लड़ना मरना नहीं आपस में, रुको. एक ही में डाल दिया पूरा? नहीं मैंने गलती से वो डल गया, अभी आधा आधा कर देती हूँ मैं इनको. दे रही हूँ मैं, चलो. दिख नहीं रहा उसको दे रहे. मैं सचिन बताऊ, मैं बिल्लियों से डर बहुत लगता है. खा लिया मैंने, पसंद आ रहा है इनको. चलो भी मैं जा रहा हूँ. अरे कैसी हो, कैसी हो? अच्छा ठीक है, ये इसी डब्बों में, इन्हीं डब्बों में रख सकते हो फिर तुम. ठीक है ये ले लो. हाँ डाल दो, डाल दो. हाँ ये अच्छे लग, ये सही है ना? मैंने कौन सा वाला भेजी थी मेरे को नहीं पता. अरे बाबा और एक ये है ये मैंने मंगवाया था. जी रात हो चुकी है, अविनाश फाइनली वापस आ चुका है. बिस्तरों में हम अपने आ चुके हैं, लाइटें बुझी हुई थी वो ये जला चुका है. अब हम चल रहे हैं सोने के लिए. चलना नहीं है, सोने के लिए सोना ही है. आपको मिलेंगे हम लोग कल, क्योंकि कल है जैसे कि आपको पता, कल हमें जाना है और उसके लिए तैयारियां शुरू करेंगे. कल क्या पहनूंगी, क्या करना है कुछ पता नहीं अभी तक, कल ही डिसाइड होगा. तो आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेट एंटरटेनमेंट. पेट में इतना दर्द हो रहा है ना. क्यों? एब्स किया था ना, एब्स. बिस्किट बनाने ना, बिस्किट बिस्किट. आप बिस्किट छोड़ो, पेट कम कर लो, इतने काफी है.